अभी अभी आपने बघेल समाज की बैठक में मीटिंग में कहा है कि आलमपुर में आप अहिल्या बेगुलकर की मूर्ति बनाने लगाएंगे। भाई सवाल इस बात का है कि बघेल समाज की बरसों से मांग चल रही है देवी अहिल्या की स्टैचू लगना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है अगर बघेल समाज संकल्प उठाए तय करे निश्चय तो जो भी हमसे सहयोग बनेगा हर प्रकार का सहयोग अहिल्या देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए स्टैचू से काम कर सहयोग करेंगे मदद करेंगे। दूसरी बात जहाँ तक है हमने सबसे यह भी कहा है कि अब समय आ गया शिवराज सिंह जी की सरकार के कुशासन से किसान मजदूर व्यापारी नौजवान परेशान है। किसान नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है और बघेल समाज ने ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का साथ देने का हमारा साथ देने का वायदा किया है तो हम कहते हैं कि कांग्रेस और वायदा भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूत बनेगी बघेल समाज के लोगों को समाज को कांग्रेस की पार्टी की सरकार में अन्य कई जगह पर वरिष्ठ मान सम्मानजनक पद प्रतिष्ठा और सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह पद जनपद पे स्तर पे हो सकता है प्रदेश पे हो सकता है सभी जगह जहाँ सब लोगों से चर्चा करेंगे समाज के लोग चाहेंगे वहाँ करेंगे जी। सरकार को फाड़ के फेंकना है आप सबके सामने है। इस सरकार के नेता जेल खाती है। मुख्य धंधा क्या है? दूसरों से पैसा लेना हड़पना और रिश्वत लेना और अधिकारियों को दलाना और रेत खाना। ऐसी सरकार प्रदेश की प्रदेश का क्या विकास कर सकती है? अन्य कोई नहीं कर सकता है। जितने भी प्रत्याशी हैं रात्रि के सवाए आप मनन करना और बैलेट पेपर देखना कि भाई आपका हितैषी कौन है। मैंने अनुभव किया है अपने जीवन काल में कि डॉक्टर गोविंद सिंह के मुकाबले कोई भी नेता आज तक वफादार नहीं बना है। श्यावड़ा में अहिल्या होलकर के बारे में एक मीटिंग हुई विधानसभा क्षेत्र के सारे बघेल समाज के लोग पहुंचे और वहां पर आदरणीय डॉक्टर की बात चली और बगावत हुई। किस पर हुई? रेखा पाल नहीं है वो भी है किसी ने नहीं कहा अकेले अकेले। देखिए सवाल बल्लू वकील के सवाल दूसरा कोई नहीं था। ब्राह्मण समाज का कोई भी नेता मैं वचन दे रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ कि कोई भी आपकी समाज को नहीं चाहेगा कि ये कभी आगे आए। वो क्यों है? जन्म से है जो ब्राह्मण है और संख्या से जो आज बघेल समाज है। इसलिए प्रतिज्ञा कर लो मेरी आपके जी जान के साथ देंगे और भविष्य में ये भी कहेंगे चुनावी चुनावी टाइम पर 10 गाड़ियां बघेल समाज की प्रत्येक गांव घर घर जाएगी सड़क जगाएगी। आदरणीय डॉक्टर की वहां पर नहीं कह रहा हूं और न तारीफ करने योग्य बात है। प्रदेश में छाप है तो सीएम के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का आता है। सरकार में बनेंगे ये मेरा दावा है। इसलिए अपने समाज के 80% लोग तन मन धन दे करके जिस तरह से आज ये कार्यक्रम किया कार्यक्रम सहयोग से किया ऐसे ही सहयोग से 10 गाड़ियां चुनाव प्रचार में बघेल समाज की ओर से होंगी और इकट्ठी जाएंगी एक एक घर।
जय हिंद।
हमने कार्यक्रम जो बघेल समाज द्वारा जी किया गया था जी किया गया है जी आदरणीय डॉक्टर साहब के आतिथ्य में यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जी। और समस्त बघेल समाज यह वचन देता है कि ये समाज नेता विहीन थी, लेकिन आज से तय कर लिया गया समूचे समाज ने कि इस समाज के नेता हैं तो डॉक्टर गोविंद सिंह हैं जी। देखिए ये सब शुरुआत सिंधिया जी के नेतृत्व से, सिंधिया जी की जब से सोच बनी है कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करूंगा, बघेल समाज 80% कांग्रेस सरकार के साथ है। जिस प्रकार से अभी भी गोविंद सिंह जी ने घोषणा की है कि आलमपुर के छतरीवाग पे या आलमपुर में जहाँ जगह होगी वहाँ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस संबंध में पदमा से निवेदन करूँगा कि अहिल्या होलकर की जो स्टेच्यू आलमपुर छतरीवाग पर बनी हुई है, समय 73 में वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था, उसमें भी ये तय हुआ था कि अहिल्या जी की मूर्ति यहाँ लगाई जाए। तो समूचा समाज एकत्रित होकर के संचय करके आदरणीय डॉक्टर साहब से 50,000 रुपए लेकर के बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जाए जो इंदौर से भी बढ़ के यहाँ की मूर्ति हो। जिस प्रकार डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि बघेल समाज को कोई बड़ा पद है, देखिए ये चुनावी दौर है जी। चुनावी दौर में जो परीक्षार्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है जी, तब फल मिलता है जी। तो पहले हम सब परीक्षा में खड़े उतरेंगे, तभी हम निगम के अध्यक्ष बनने की कोशिश करेंगे जब सरकार कांग्रेस की होगी तब जी। क्या कहेंगे बघेल समाज के लिए? बघेल समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बघेल समाज के लिए जो संदेश है समूचे प्रदेश में जी, के अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आगे आने वाले समय में बघेल समाज का राज्य मंत्री का या कैबिनेट मंत्री का दर्जा निगम